जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पंचायत कंचौसी में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू दद्दा से की खास मुलाकात। राजेंद्र जी ने कहा कि सर्वप्रथम तीर्थ कंचौसी को नगर पंचायत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। राजेंद्र जी ने कहा कि यदि नगर वासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का निर्माण, वाटर कूलर सहित अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस होगा। राजेंद्र जी ने कहा कि नगर पंचायत कंचौसी को विकसित बनाने के लिए 100% प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही समस्त नगर वासियों से मतदान करने की अपील की जिससे नगर में चौमुखी विकास कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन जीतू की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। जैसा कि नगर निकाय इलेक्शन का बोल हो चुका है, आज जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे वो कानपुर देहात के कंचौसी के लिए कोई नया चेहरा नहीं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र सिंह और राजू भैया जी। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, सर्वप्रथम सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो कंचौसी जिसके हम लोग बैठे हुए हैं सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दर्जा मिला है नवनिर्मित जो पंचायत नगर पंचायत बनाई गई, इसके लिए सरकार जो के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ये नगर पंचायत हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह भोले जी, जो अकबरपुर से सांसद हैं जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार जो 25 सितंबर 2018 को हमारी माता जी पिताजी पूजनी दर्शन सिंह पूजनी माता कनक रानी जी की पूर्ण किस्मत में मूर्ति का अनावरण करने आए थे, उसी दिन मांग की गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत घोषित की। और सर, मैं आपसे इसी क्रम में जानने का प्रयास करूँ, जैसा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं और कंचौसी को आप अच्छे से जानते हैं, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं अपनी कंचौसी में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप दूर नहीं कर पाए। यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम किन किन विकास कार्यों और अपनी जो नवीन नगर पंचायत कंचौसी बनाई गई है इसे सर विकसित बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारी नगर पंचायत में मैं 35 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, जो समस्याएं ज्यादा थी वो हल हो चुकी है। थोड़ी बहुत समस्याएं नालियों की है, सफाई की है और प्रकाश की है, वो भी काफी दूर हो चुकी है। जो रह गई है वो जैसे अध्यक्ष बनते हैं उसी इसी क्रम में सब जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपका राजनीतिक दायरा है वो सर नगर पंचायत कंचौसी तक ही सीमित नहीं है, पूरी जनपद में सक्रिय बैठे हैं। आपसे हम सर ये जानना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सर क्या रणनीति है, मतलब क्या स्पेशल है सर, आप कितनी जनपद में सीटें जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आल यूपी में लगभग 80% चुनाव नगर पंचायतों के जीतेगी और नगर निगम के संपूर्ण सीटें जीतेगी। इसके अलावा सर, जो आप बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंसी कह रहे हैं कि सारी सीटें नगर निगम की हो या नगर पंचायत सर, ऐसा क्या है जो दोबारा से चुनाव आपको जनता जीत करेगी? हम तो पहली बार लड़ रहे हैं, दोबारा आपकी पार्टी को जीत करेगी, इसलिए माननीय योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी देश में बिल्कुल नहीं हुई है। गरीबों के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी ने योगी जी ने चालू की है, इतनी आज तक किसी सरकार ने चालू नहीं की है। आप ये पहले सुनने में आता था कि गल्ला क्या विदेश से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, आज हमारी सरकार गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न बांट रही है। जैसा कि सर जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको अवगत होगा 5-7 दिन पहले सर सीएम सर ने स्टेटमेंट दिया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सर क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही जी। इसी क्रम में सर, जो न्यूज 24x7 के माध्यम से जो आपके नगर पंचायत जो कंचौसी है या पूरी कानपुर देहात में जितनी भी नगर पंचायत है, नगर पालिका आती है, जितने भी मतदाता, उन्हें क्या मैसेज अपील करना चाह रहे हो? उन्हें यहाँ पर लगभग 9300 मतदाता जी और 85-90% मतदान अमल के पूल में कंचौसी टाउन एरिया में होगा जी, क्योंकि 35 वर्षों की राजनीतिक सेवा में यहाँ पर जितनी भी समस्याएं थी कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, हम लोगों से ज्यादा किसी ने कोई समस्या जनता के बीच में रहा न सुनी। इसके अलावा सर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कंचौसी के अलावा और नगर पालिका या नगर पंचायत के मतदाताओं को? पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी एकाध सीट के बारे में नहीं कह सकता हूँ, जिले में संपूर्ण सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजेंद्र सिंह जी और राजू दद्दा जी, जो यहाँ कंचौसी के लिए नाम दिया गया है और वर्तमान में कानपुर देहात के लिए कोई नया चेहरा नहीं। उन्होंने जैसा कि बताया नगर पंचायत में 35 वर्षों कंचौसी में विगत सेवाएं देते आए हैं और जो भी अधूरे कार्य छूट गए हैं उन्हें सर्वप्रति अवसर मिलता है तो जो भी कार्य होंगे उन्हें करने की सर्वप्रथम वरीयता देंगे, जिससे नगर पंचायत कंचौसी को विकसित नगर पंचायत बना सकेंगे। देखते रहिए न्यूज 24x7।